नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो ये प्रीमियर प्रो की जो हमने सीरीज़ की बात की थी वो हम चालू कर रहे हैं। तो ये पहला लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि प्रीमियर प्रो का इंटरफेस कैसा है, कौन कौन से पैनल कहाँ कहाँ पे है, वीडियो कहाँ इंपोर्ट होती है, टाइमलाइन क्या है, आपका मॉनिटर क्या है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ पर प्रीमियर प्रो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का स्प्लैश स्क्रीन आएगा आपके सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, सब पैनल्स वगैरह सब टूल्स लोड हो रहे हैं। और सॉफ्टवेयर खुलने से पहले यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आता है जहाँ से कि आप अपना नया प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं। ये वो स्क्रीन है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं आपका पहले का बना हुआ प्रोजेक्ट। जो आपने रिसेंट प्रोजेक्ट खोले हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आती है। तो इनमें से कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपको दोबारा से काम करना है, आगे काम करना है, तो रिसेंट प्रोजेक्ट आप यहाँ से खोल सकते हैं। फिलहाल हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। बाय चांस अगर न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आपसे क्रॉस हो जाती है या पहले वाली विंडो थी वो भी आपसे क्रॉस हो जाती है, तो फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं और प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, फिर से वो विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो प्रोजेक्ट नया बनाने में सबसे पहले क्या चीज़ है, नेम। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें, जैसे मैं इसका रखता हूँ लेक्चर 1 इंटरफेस ट्यूटोरियल। सेकेंड, लोकेशन कि प्रोजेक्ट आपका कहाँ सेव होगा। ब्राउज़ करके आपने जिस भी जगह पे इसे सेव करना है वहाँ पे जाएं और उस फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करके सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ओके पे क्लिक कीजिए और आपका प्रोजेक्ट जो है सेटअप हो जाएगा। ये आपका प्रीमियर प्रो का इंटरफेस खुल गया आपके सामने। सबसे पहले अगर टॉप लेफ्ट पे देखें तो फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, इस टाइप से ये कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू हैं आपके। जो तो ये जो मेन्यू बार है आपका, इसके अंदर ये ढेर सारी आपके ऑप्शंस हैं। अगर इसके अंदर आप विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे एक वर्क स्पेसिस नाम से ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं ऑल पैनल असेंबली ऑडियो कलर, ऐसे अलग अलग वर्क स्पेस बने हुए हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखी हुई नज़र आएगी, लर्निंग असेंबली एडिटिंग कलर इफेक्ट, अलग अलग तरह के वर्क स्पेस। आप कस्टम वर्क स्पेस भी बना सकते हो अपनी मर्जी का, जैसे मैंने यहाँ पे निर्देशक राव नाम का अपना खुद का वर्क स्पेस बनाया हुआ है। उसमें मैंने डुअल मॉनिटर यूज़ किया है, तो कुछ पैनल्स मेरे इस मॉनिटर पे हैं, कुछ पैनल्स दूसरे पे हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये लर्निंग सिलेक्टेड है यहाँ पर। अगर मैं एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ पैनल इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका व्यू चेंज हो गया। अभी एडिटिंग के हिसाब से जो प्रीमियर का डिफॉल्ट है वो आ गया है। अगर कलर पे क्लिक करता हूँ तो पैनल कुछ और शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे एक ल्यूमेट्री कलर का पैनल आ गया, ये कलरिंग के काम आता है। अगर इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो और तरह से पैनल चेंज हो जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इधर इफेक्ट्स आ जाएंगे आपके। तो जिस भी तरह का आपको काम करना है, ऑडियो का करना है, इफेक्ट का करना है, एडिटिंग का करना है, उस हिसाब से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोवाइडेड वर्क स्पेस हैं प्रीमियर प्रो के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपना कस्टम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ अपना कस्टम इस्तेमाल करना। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, निर्देशक राव पे मैंने भी क्लिक किया तो ये मेरा कस्टम वर्क स्पेस आ गया। आपको पूरा नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन रखी हुई है और बाकी मेरा मॉनिटर वगैरह दूसरे स्क्रीन पे है। तो वापस आ जाते हैं वर्क स्पेसेस में और ऑल पैनल्स पे आ जाते हैं, को बंद कर दें, वापस हम आ गए हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल आप लर्निंग पे क्लिक करें और आपका जो है एक बिल्कुल मिनिमल सा ये इस तरह का वर्क स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे हम बॉटम से शुरू करते हैं। बॉटम लेफ्ट में अगर आप देखेंगे नीचे तो ये प्रोजेक्ट पैनल है। अब आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ एक ब्लू हाईलाइट हो गया है, मैं जिस भी पैनल को सिलेक्ट करूँगा वो ब्लू हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको पता रहेगा मैं किस पैनल की बात कर रहा हूँ। तो बॉटम लेफ्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्ट पैनल है, इसके अंदर आपकी फाइल्स इंपोर्ट होंगी, सीक्वेंसेस बनेंगे जिनमें आप काम करेंगे। उसके बाद ये आपका सोर्स पैनल है, जो भी आप वीडियो ऑडियो इंपोर्ट करते हैं उसको आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। आप इसका एक तरह से आपका व्यूअर है ये, उस वीडियो को या ऑडियो को आप प्रोजेक्ट में डालने से पहले यहाँ पे उसको देख सकते हैं और उसमें से जो सेक्शन आपको चाहिए हो उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम विंडो है, ये बेसिकली वो विंडो है जिसके अंदर आपको जो आपका एडिट बन के आ रहा है वो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्ले होगा। नीचे यहाँ आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन में बेसिकली आपकी सारी वीडियोज़ और ऑडियोज़ डलेंगी और यहाँ पे ही सारा एडिटिंग का काम होगा। टाइमलाइन के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टूल बार है, इसके अंदर सारे एडिटिंग टूल्स हैं आपके, तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप एडिटिंग करेंगे। एक राइट साइड पे ये देख रहे हैं आप, ये ऑडियो का आपका यहाँ पे जो है लेवल इंडिकेटर है, तो ये दिखाता रहता है कि जब आपकी ऑडियो प्ले होगी तो कितने डेसिबल पे वो प्ले हो रही है, आपकी ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे ये चीज़ है।
अब हम एक फाइल इंपोर्ट करके देखते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट पैनल में राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जाके किसी भी फुटेज को यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस फुटेज पे क्लिक करूँ, ओपन करूँ, तो ये फुटेज इंपोर्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने वाला था। आप इस फुटेज को, मान लीजिए ये फुटेज मैंने इस्तेमाल की थी, इस फुटेज को यहाँ से ड्रैग करके भी लाएंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपकी ड्रैग ड्रॉप से भी फुटेज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप इस फुटेज को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर। जैसे ही आप इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, ये आपकी टाइमलाइन के अंदर फुटेज आ जाएगी और जो है ये आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। प्रोग्राम विंडो के अंदर आपको जो है ये आपको वीडियो चलती नज़र आ जाएगी। अभी मैं एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और वापस जब सिर्फ फुटेज इंपोर्ट हुई थी उस टाइम पे जाते हैं। इस फुटेज को मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो सोर्स विंडो के अंदर ही फुटेज नज़र आ जाएगी। ये मार्कर है, इससे मैं फुटेज को देख किसी भी सेक्शन पे जाकर के देख सकता हूँ। अदरवाइज सिंपली यह प्ले का बटन है, इसे क्लिक करके आप प्ले कर सकते हैं फुटेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं फुटेज को लाने से पहले कि आपको ये फुटेज चाहिए या कोई और चाहिए। अगर मल्टीपल फुटेज यहाँ पे हो तो सोर्स विंडो के अंदर आप फुटेज देख सकते हैं और उनको जितना सेक्शन आपको चाहिए उतना सेक्शन आप मार्क करके यहाँ पे ला सकते हैं। वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। जब मैंने फुटेज को यहाँ ड्रैग ड्रॉप किया था तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया था, वो सीक्वेंस यहाँ पे हमें नज़र आया था। तो एक तरीका तो यह है कि फुटेज को आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट करें या फिर ड्रैग ड्रॉप करके प्रोजेक्ट विंडो में डालें और फिर यहाँ से ड्रैग करें। तीसरा मेथड है कि अगर मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, तीसरा मेथड है कि मैं फुटेज को डायरेक्टली ड्रैग करके टाइमलाइन पे ही ड्रॉप कर दूं। तो इस तरीके से भी मेरी टाइमलाइन बन गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चीज़ें आ गई हैं, एक आ गई है वॉच फुटेज .mp4 और दूसरी बन गई है वॉच फुटेज की सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा सीक्वेंस है और कौन सा MP4 है? एक तो ये फाइल नेम एक्सटेंशन लिखा ही होगा सामने, बट साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक वीडियो का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है, ये सीक्वेंस का सिंबल है। अगर इसके ऊपर आप माउस ला के रोकते हैं तो यहाँ पे लिखा भी आएगा वीडियो यूज्ड वन टाइम और यहाँ पे सेकंड पे लिखा होगा लिंक्ड ऑडियो यूज्ड वन टाइम, मतलब ये इसमें वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ हैं। अगर आप इस छोटे आइकन पे यहाँ पे ला के माउस को रोकते हैं तो सीक्वेंस लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली ये आपका सीक्वेंस है, इसके अंदर ये टाइमलाइन के अंदर जो आपका बना है सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस का नाम वॉच फुटेज है, ये यहाँ बन गया है। आप चाहें तो इस नाम को एडिट कर सकते हैं, जहाँ वॉच फुटेज लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करें और वॉच फुटेज के आगे मैं आगे अंडरस्कोर सीक्वेंस कर देता हूँ। आपने देखा जैसे ही मैंने इसको वॉच फुटेज सीक्वेंस किया, यहाँ पर भी वॉच फुटेज सीक्वेंस लिखा हुआ आ गया। तो अब मेरे सीक्वेंस का नाम चेंज हो गया, अब मुझे वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ताकि सेम वीडियो वाला नाम ना हो इसलिए इसे चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि मोस्टली केसेस में आप कैमरा की वीडियोस लेके आते हैं तो उनके नाम C001 कुछ भी कैमरा का डिफॉल्ट रहता है, तो आपके सीक्वेंस का नाम भी वही हो जाएगा, इसलिए उसको हमेशा चेंज कर लेना चाहिए। अब आपकी फुटेज यहाँ पे आ गई है, ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में आप देख रहे हैं दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, V1, V2, V3 जो ये ट्रैक बने हुए हैं ये वीडियो ट्रैक्स हैं, A1, A2, A3 जो बने हैं ये ऑडियो ट्रैक्स हैं। तो कोई भी फुटेज आप इंपोर्ट करेंगे उसकी वीडियो ऊपर आएगी और ऑडियो नीचे यहाँ पे A1 पे आएगी, वीडियो V1 पे आएगी। कोई और फुटेज आप डालेंगे उसको ऊपर रखते हैं, मान लीजिए मैं इसकी एक और कॉपी यहाँ पे डालता हूँ और मैं इसको V2 ट्रैक पे रखता हूँ वीडियो को, तो ऑडियो इसकी नीचे वाले ट्रैक पे चली जाएगी। इस तरह से आप मल्टीपल ऑडियो वीडियोस डाल सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल मैं इसे कंट्रोल जेड दबा के बैक कर लेता हूँ। अब आपको समझ आ गया कि ये प्रोजेक्ट पैनल है, इसके अंदर आप जो है इंपोर्ट करते हैं अपनी फुटेज को, यहाँ पे सीक्वेंस बनता है। फुटेज को अगर देखना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे सोर्स पैनल के अंदर देख सकते हैं। ये टाइमलाइन है आपकी, इसके अंदर आपका सीक्वेंस नज़र आता है, सारी एडिटिंग यहाँ पर होगी। ये जो टूल्स हैं टूल बार में, इनसे आप एडिटिंग करेंगे। अगर मैं वीडियो को यहाँ पर प्ले का बटन दबा के प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो की जो है इंडिकेशन आ रही है। स्टॉप कर देते हैं इसे। ये आपका प्रोग्राम विंडो है जिसके अंदर आपको वीडियो नज़र आ रही है। ये आपका वर्कस्पेस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसमें से कौन सा आपने यूज़ करना है। फिलहाल हम लर्निंग के ऊपर ही चलेंगे। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि विंडो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑडियो मीटर, ऑडियो ट्रैक मीटर, एडिट टू टेप, इफेक्ट कंट्रोल, एसेंशियल ग्राफिक, ठीक है, और आपके ल्यूमेट्री कलर। अगर आपको याद हो कि जब हमने कलर वाले पैनल पे क्लिक किया था तो यहाँ पे एक ल्यूमेट्री कलर नाम का पैनल बन के आ गया था, वो ये पैनल था। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पैनल अभी भी यहाँ से आ जाएगा। और इसके ऊपर जो ये तीन बार्स बने हुए हैं इस पे क्लिक करके अगर मैं इसको क्लोज पैनल करता हूँ तो पैनल चला जाएगा। तो बेसिकली ये जो भी ऊपर वर्कस्पेस बने हुए हैं ये इन्हीं सब पैनल्स से जुड़ के बने हैं। किसी पर्टिकुलर वर्कस्पेस में कुछ तरह के पैनल एक्टिवेट हो जाते हैं।
अगर आप ऑल पैनल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे पैनल भी यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको कभी ज़रूरत पड़ती नहीं उसकी। लेकिन फिलहाल जो लर्निंग पैनल है उसके अंदर एक दो पैनल मुझे और चाहिए, जैसे कि इफेक्ट कंट्रोल्स। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल आ गया, लेकिन जो सोर्स का पैनल है वो भी गया नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सोर्स पैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप विंडोज पे जा करके यहाँ पे इफेक्ट्स का पैनल है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इफेक्ट पैनल आ जाएगा, या प्रोजेक्ट मीडिया ब्राउजर इफेक्ट। इफेक्ट पैनल के अंदर आपके सारे ऑडियो वीडियो के इफेक्ट हैं, जो कि हम बाद में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको बताने के लिए था कि यहाँ पे इस तरह से पैनल को आप स्टैक कर सकते हैं। तो जो भी तरह के पैनल आपको चाहिए हो आप विंडो में जाकर उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और किसी भी जगह पर उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमने इफेक्ट कंट्रोल का यहाँ पे टैब लेके आए थे, हम यहाँ से हमने एक्टिवेट किया था, इस पे हम एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप अपनी टाइमलाइन के अंदर अपनी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फुटेज की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। इसकी पोजीशन आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्केल, तो ये सारी जो इसको कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, रोटेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और भी कोई आप इफेक्ट्स लगाते हैं वो भी आपके यहीं पे नज़र आएंगे। ये हम इफेक्ट्स वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बस आपको जानकारी के लिए मैंने बताया कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाली है। उसके अलावा टाइमलाइन और सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। टाइमलाइन, ये जो मैंने आपको बताया था ये वाला बॉक्स, ये पैनल जो है टाइमलाइन है। इसे टाइमलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर टाइम लिखा हुआ है, तो इस लाइन पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब चलते हैं तो टाइम यहाँ पे बढ़ता जाता है आपकी फुटेज का। तो ये फुटेज जो यहाँ पर 25, ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के आसपास की फुटेज है। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके से लाता हूँ तो यहाँ पे आप बार देख पा रहे हैं, ये इस जगह पे एक ये टाइम लिखा हुआ है 29:14, तो ये 29.14 सेकंड की ये वीडियो है। मैं इसको पीछे लाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं वीडियो के 10 सेकंड के एरिया पे पहुँच चुका हूँ। आप यहाँ पर टाइप करके भी किसी पर्टिकुलर जगह पे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं बिल्कुल 20 सेकंड पे जाना चाहता हूँ तो मैं 20 टाइप कर देता हूँ 00, और मैंने एंटर किया तो बिल्कुल 20 सेकंड मार्क पे मैं चला गया हूँ वीडियो के। तो ये इस तरह से टाइमलाइन काम करती है। उसके अंदर ये मैंने सीक्वेंस डाला हुआ है, आप ऐसे मल्टीपल सीक्वेंसेस डाल सकते हैं, तो वो आप अगर अलग एक और सीक्वेंस बनाएंगे तो यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करके, और सीक्वेंस बनाता हूँ और इसका नाम रख देते हैं, ये सीक्वेंस वन है, इसका नाम सीक्वेंस टू कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस टू बना गया इधर, और ये देख रहे हैं खाली है ये सीक्वेंस, क्योंकि इसके अंदर कोई फुटेज डाली नहीं है मैंने अभी। तो ये वॉच फुटेज सीक्वेंस, ये सीक्वेंस टू, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वॉच फुटेज वाला सीक्वेंस आ जाएगा जो बनाया था हमने, ये सीक्वेंस टू है। अब इसमें दूसरा सीक्वेंस बनाने का बेनिफिट क्या है, मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ डालता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, एक पूरी चीज़ बना लेता हूँ, इस सीक्वेंस के बाद में मैं चाहता हूँ कि इसके बाद सेकंड सीक्वेंस जो है मेरा वो चल जाए वॉच फुटेज सीक्वेंस वाला, तो मैं सिंपली वॉच फुटेज सीक्वेंस को ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे पूछेगा कि सीक्वेंस की सेटिंग चेंज करनी है जो आप ड्रैग कर रहे हैं उसके हिसाब से, या फिर जो एग्जिस्टिंग है वो रखनी है। तो नॉर्मली तो आप दोनों जो सीक्वेंस बनाएंगे सेम सेटिंग के साथ ही बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो चेंज पे क्लिक कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आगे भी कि क्यों ये करना पड़ सकता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल के लिए मैं इसको कीप एग्जिस्टिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीक्वेंस बना हुआ आ गया, इधर मैंने जो भी फुटेज और डाल के, मान लीजिए यही फुटेज मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ मैंने एडिटिंग कर ली और कुछ मैंने चीज़ें ऊपर नीचे जोड़ ली, उसके बाद मैं ये सीक्वेंस मैंने यहाँ डाल दिया, तो मेरी कंप्लीट फुटेज जो है यहाँ पे एडिटेड चलेगी, उसके बाद में मेरा पहले वाला सीक्वेंस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने कीप एग्जिस्टिंग किया तो उससे क्या हुआ कि ये जो मैंने नया सीक्वेंस बनाया था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट बना हुआ है, और ओरिजिनल जो मेरा सीक्वेंस था वॉच फुटेज वाला वो फुल एचडी में बना हुआ था। तो सीक्वेंस की अपनी सेटिंग्स होती हैं जिसमें रेजोल्यूशन वगैरह सब चीज़ें आती हैं, वो हम कहाँ से हम देख सकते हैं, जिस भी सीक्वेंस की आपने सेटिंग देखनी है उस सीक्वेंस पे क्लिक कीजिए। ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस का एक मेन्यू बार में बना हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन को सीक्वेंस सेटिंग लिखा आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एचडी साइज है इसका। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और सीक्वेंस टू जो है इसमें अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 720x480 जो है ये भी ग्रेड आउट है, मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता इन चीज़ों को। चेंज करना है तो मुझे DVNTSC पे जा करके यहाँ पे ऊपर जाके कस्टम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है। अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूँगा, मान लीजिए मैं 1920x1080 डाल देता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये अब मेरा जो है आप देख पा रहे हैं ये जो है 16:9 में वाइड हो चुका है, ये मैंने चेंज कर लिया सीक्वेंस की सेटिंग को। अब वापस से वॉच फुटेज वाले सीक्वेंस पे जाते हैं, इसमें ऊपर सीक्वेंस पे क्लिक किया मैंने, सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक किया,
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, स्क्वेयर पिक्सल है, 1080p है फुटेज, 50 फ्रेम पर सेकंड है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपकी यहाँ पे रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे आप कोई वीडियो डालते हैं, जैसे मैंने डाली थी, और ड्रैग ड्रॉप करके सीक्वेंस बनाते हैं, तो जो भी वीडियो की सेटिंग्स होती हैं, जो भी वीडियो की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वही सीक्वेंस की स्पेसिफिकेशन बन जाती हैं। तो वॉच फुटेज के टाइम पे यही हुआ था, मैंने जब सीक्वेंस ड्रैग करके बनाया तो सीक्वेंस मेरा जो है वो HD साइज़ में बन गया, जो फुटेज का साइज़ था, और उसी का फ्रेम रेट आ गया 50 वाला। दूसरे केस में जब मैंने सीक्वेंस यहाँ से राइट क्लिक करके बनाया तो जो मैं सीक्वेंस सेटिंग दे रहा था वो आ गई, तो उससे जो है स्क्वेयर फॉर्मेट में वो आ गया था। उसके बाद मैंने सीक्वेंस सेटिंग को चेंज कर दिया। तो ये बस ये जानकारी के लिए कि यहाँ से आप सीक्वेंस सेटिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई और भी सीक्वेंस बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू आइटम सीक्वेंस, अब सीक्वेंस बनाते टाइम यहाँ पे ऑप्शन रहती है कौन सा आपको चाहिए, तो इसमें से आप, जैसे उस टाइम पे मैंने डिफ़ॉल्ट जो भी आया था वो क्लिक कर दिया था, बस यहाँ पे आप जा करके आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे पॉल में चाहिए, NTSC में चाहिए। उसके अलावा सेटिंग्स पे जा करके यहाँ पे अलग से उसकी जो आपको फ्रेम साइजिंग वगैरह देनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, तो एक तो इसमें बहुत सारी लिस्ट है जो कैमराज के हिसाब से हैं कि रेड कैमरे का, सोनी का, ठीक है। तो उनके अलावा यहाँ पे HDV 1080i 1080p इस टाइप से जो लिखी हुई हैं, ये बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इनकी सेटिंग भी आ जाती है यहाँ पर। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे DNX 1080p यूज़ कर लेता हूँ, तो 1920x1080p जो हमारी फुल HD रेजोल्यूशन होती है वो रेजोल्यूशन है। यहाँ पे 29.97 फ्रेम पर सेकंड मेरा फ्रेम रेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग्स से वो आप यहाँ डाल सकते हैं, और यहाँ पे नाम डाल के सीक्वेंस का, इसको सीक्वेंस 3 कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो नया सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3 और वॉच फुटेज सीक्वेंस, ये अलग अलग सीक्वेंसेज हैं जिनको आप बाद में एक सिंगल सीक्वेंस के अंदर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस 3 के अंदर जो है मैं सीक्वेंस 2 को भी डाल देता हूँ, कीप एग्जिस्टिंग, और सीक्वेंस 1 को भी डाल देता हूँ। तो मैंने ये दोनों सीक्वेंस इस एक सीक्वेंस के अंदर डाल लिए हैं। इस नए सीक्वेंस का नाम 3 की बजाय मैं मेन आउटपुट मान लीजिए कर देता हूँ, कि मैं बाकी सीक्वेंसेस में जो भी काम करूँ इवेंचुअली जा करके मेन आउटपुट के अंदर वो सारे सीक्वेंस में डाल दूंगा और उससे मैं रेंडर कर लूँगा। तो इस तरीके से आप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली म्यूज़िक वीडियो या शॉर्ट फिल्म में तो एक सीक्वेंस के अंदर ही काम हो जाता है। ये जो मल्टीपल सीक्वेंसेस का बेनिफिट तब होता है जब आप कोई बड़ी फिल्म वगैरह का आप कुछ काम कर रहे हैं, तो सीन वाइज आप काम कर रहे हैं, हर एक सीन का अलग एक सीक्वेंस बनाते जाते हैं, और बाद में एक मेन जो मूवी का मेन सीक्वेंस है उसके अंदर सारे सीन्स के सीक्वेंसेस को डाल देते हैं आप। तो उससे क्या आपका प्रोसेस जो है काम करने का काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाता है। इसको समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो शूज़ हैं, ये शूज़ आपकी क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स को आपने पैक कर दिया एक बॉक्स के अंदर, तो ये बॉक्स आपका सीक्वेंस बन गया। ये जो सामने टाइमलाइन है ये आपकी रैक है, इस रैक के ऊपर आपने ये पहला बॉक्स प्लेस कर दिया, इसके अंदर आपके जूते हैं दो। ऐसे ही आप मल्टीपल बॉक्सेस इस पर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि एक रैक में काफ़ी बॉक्सेस आ सकते हैं छोटे बड़े, इसी तरह से टाइमलाइन के अंदर काफ़ी सारे सीक्वेंस आ सकते हैं। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा बॉक्स लिया जो कि खाली है पूरा, उस बड़े बॉक्स के अंदर ये बाकी सारे छोटे बॉक्स हम प्लेस कर देते हैं, तो जो बड़ा सीक्वेंस है उसके अंदर हम अपने सारे छोटे सीक्वेंस डाल सकते हैं, और वो बड़ा बॉक्स जो आपका वो भी रैक के अंदर ही रहेगा, यानी कि टाइमलाइन के अंदर ही रहेगा। तो जो भी आप सीक्वेंस बना रहे हैं वो सब टाइमलाइन में रहेंगे, और छोटे छोटे सीक्वेंसेस को आप बड़े सीक्वेंस के अंदर डाल सकते हैं, और हर एक सीक्वेंस के अंदर आपकी एडिटेड क्लिप्स रहेंगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी बॉक्स के अंदर, बड़े बॉक्स के अंदर कुछ शूज़ जो हैं सीधा डाल दें और कुछ छोटे बॉक्सेस डाल दें, यानी कि आप एक बड़े सीक्वेंस के अंदर छोटे सीक्वेंसेस भी डाल सकते हैं और अलग से क्लिप्स भी डाल सकते हैं। होपफुली आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, थोड़ा बेटर समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ पहला लेक्चर है। इस लेक्चर का पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, तो जो भी कुछ आपने सुना उसमें से जितना परसेंट भी आपके दिमाग में रह जाएगा वो मोर देन अनफ है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब आप बार बार इंटरफेस को देखेंगे और कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे कहाँ पे क्लिप्स जा रही हैं, कैसे एडिटिंग हो रही है, यह बार बार देखेंगे तो आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे टोटली। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एडिटिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे।
तो ये थी जानकारी प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं पोस्ट डालता रहता हूं। अगर आपको कोई पोस्ट पसंद आती है आप वहां पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे मैं स्टॉक फुटेज डालता रहता हूं फ्री, जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स के दौरान भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर वहाँ बढ़ाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप ये मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और मैं और इस तरह का कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो आज हमने फर्स्ट लेक्चर में इंटरफेस के बारे में सीखा, पैनल्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एडिटिंग टूल्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।